students, so today we will study lesson 2, I want. This is a story of a monkey where he want everything, ठीक है? जैसे कि आपको चाहिए रहता है ना, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये भी एक small monkey की story है, ठीक है? I want to be big, says little monkey. I want to be strong. एक छोटा सा monkey है, वो बोल रहा है कि मुझे big बनना है, मुझे strong बनना है. Strong मतलब आप सबको पता होगा, ताकतवर. A fairy hears him. Fairy मतलब पता है आपको? परी. एक परी, सुंदर सी परी, ये सुन रही थी. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. तो उस परी ने बोला, ये magic wand, ये जो stick है, इसको magic wand बोलते हैं, क्योंकि इसमें magic होता है, ठीक है? जादू. तो Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. सारी तुम्हारी इच्छाएं, wishes मतलब इच्छाएं, पूरी हो जाएंगी. A giraffe comes by. He stretches his long neck. वहीं पे एक giraffe आ रहा था और अपनी long neck को stretch कर रहा था, खींच रहा था इधर उधर. He eats the sweet leaves at the top of the trees. ठीक है? वो क्यों इधर उधर खींच रहा था अपनी नेक को, कि उसको बहुत अच्छी मुलायम मुलायम पत्तियाँ, लीव्स मतलब पत्तियाँ खानी थी ट्री के टॉप पे से. नाउ आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मंकी. तो लिटिल मंकी को भी लगा, मुझे भी एक लंबी सी नेक चाहिए. पॉप, सो मीनिंग ऑफ अ पॉप इज कॉज टू मेक अ लाइट एक्सप्लोजिव साउंड. लाइट एक्सप्लोजिव साउंड यानी कि आप दिवाली पे वो पॉपअप फोड़ते हैं ना, जिसमें से हल्की सी आवाज़ आती है और पटाखे की, तो उसको हम पॉपिंग बोलते हैं, पॉप वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए. तो पॉप एकदम से मैजिक हुआ. हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ्स. ठीक है, उसकी नेक बहुत लंबी हो गई जिराफ के जैसे. लिटिल मंकी इज हैप्पी. लिटिल मंकी बहुत खुश हुआ. एंड एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर. एक एलिफेंट आया वहाँ पे रिवर में अंदर की तरफ. ही फिल्स हिज ट्रंक विद अ वाटर. ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ. ठीक है, उसने जो अपनी ट्रंक में पानी भरा और अपने पूरे बॉडी पे उसने शावर जैसे फेंक दिया. ट्रंक मतलब आपको पता है ना, सूंड जो होती है इसकी, और पूरे बॉडी पे उसने शावर किया. नाउ ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ. आई वॉन्ट टू डू दैट टू, सेज लिटिल मंकी. बैंग. ठीक है, लिटिल मंकी ने बोला कि मुझे भी ऐसा करना है. उसको बहुत अच्छा लगा, कितना मज़ा आ रहा होगा ना उसे. बैंग. सो दिस टाइप ऑफ पॉप बैंग, दिस इज ऑल अ म्यूजिक व्हेन यू आर लिसनिंग सम स्टोरी. सो विद द म्यूजिक इट्स बिकम वेरी, इट विल बिकम सो एक्सप्रेसिव. So this bang, meaning of a bang is a sudden, loud, sharp noise. जो जोर से आवाज़ आती है ना, जब दम करके आवाज़ आती है बहुत, अगर किसी स्टोरी में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो so for that here bang is used. Just like that he grows a trunk. He is very happy. तो मंकी की भी ट्रंक आ गई, किसकी जैसी? एलिफेंट जैसी, और वो बहुत खुश हुआ. दिस इज फन, ही सेज. तो मंकी ने बोला, ये तो बहुत मस्ती हो रही है मेरे मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, कि मैं जो मांग रहा हूँ मेरी विशेस पूरी हो रही है. नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा. फिर लिटिल मंकी ने क्या देखा? ज़ेब्रा. ठीक है, ज़ेब्रा लाइक दिस, you know this is zebra. So I want stripes like those, he says with little monkey. ठीक है, oh I want stripes like those. उसको ये लगा कि मुझे zebra जैसी stripes चाहिए, कि क्योंकि zebra बहुत beautiful लगता है ना stripes के साथ. So whiz is again a sound. Okay, whiz का मतलब buzzing sound, जो कि मक्खी की आवाज़, मधुमक्खी की आवाज़ होती है ना, वो विज होती है, बजिंग साउंड. लिटिल मंकी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ेब्रा. लिटिल मंकी के बॉडी पे भी ज़ेब्रा जैसी स्ट्राइप्स हो गई. इज़ वेरी वेरी हैप्पी.
बहुत खुश हुआ। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। वो रिवर के पास गया कि उसके पास न्यू ट्रंक आई है, एलिफेंट जैसी सूंड आई है, उसको ट्राई करके देखता हूँ। ही लुक्स डाउन, वो उसने नीचे देखा। ही सीज हिमसेल्फ इन द वॉटर, उसने वॉटर में अपने आप को देखा। मदर, ही क्राइज हेल्प। ठीक है, उसने जैसे ही अपने आप को देखा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा मम्मा का नाम लेके, हेल्प हेल्प। है ना, हमें कभी भी प्रॉब्लम होती है या हमें कोई भी चीज़ हमें लगता है कि खराब हो रही है तो हम मम्मा को याद करते हैं, तो उसने भी अपनी मम्मा को याद किया। सो अ मॉन्स्टर, यू नो द मीनिंग ऑफ मॉन्स्टर, आर लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग इमेजिनरी। ठीक है, तो आपको जैसे कि भूत है या इस टाइप की चीज़ें जो एकदम अजीब सी होती हैं उनको हम मॉन्स्टर बोलते हैं, राक्षस भूत जो होते हैं उनको। सो अ मॉन्स्टर, दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर। उसकी मम्मा ने बोला ये मॉन्स्टर नहीं है भाई, दैट्स यू, तुम हो। यू वॉन्ट अ जिराफ्स नेक एंड एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्ट्राइप्स लाइक अ ज़ेब्रा। ठीक है, तुम्हें एक जिराफ की नेक चाहिए थी, एलिफेंट का ट्रंक चाहिए था और ज़ेब्रा जैसी बॉडी पे स्ट्राइप चाहिए थी। डोंट यू रिमेम्बर, उसकी मम्मा ने पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं है। लिटिल मंकीज, मंकी क्राइज एंड क्राइज, लिटिल मंकी रोता ही रहा। आई लुक ऑफुल ऑफुल, सो ऑफुल का मीनिंग होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। ठीक है, बहुत जो गंदे दिखते हैं उनके लिए। ही सेज, उसने बोला मैं बहुत बेकार दिख रहा हूँ, गंदा दिख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, मैं फिर से अपने जैसा ही दिखना चाहता हूँ। देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड अ विज, ये सारी साउंड से वो चेंज हुआ था ना, तो फिर से वही सारे साउंड्स आए। लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, लिटिल मंकी फिर से वैसे ही बन गया। ही जंप्स फॉर अ जॉय, वो खुशी से कूदा। जैसे आप कभी भी हैप्पी होते हो तो आप भी जंप करते हो ना। ही थ्रोस द मैजिक वैंड इन टू द रिवर, उसने वो मैजिक वैंड कहाँ फेंक दिया, रिवर में। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन, और कभी भी वो और किसी के जैसा बनना नहीं चाहने लगा। ठीक है ना, पहले उसको लगता था ना ये अच्छा है वो अच्छा है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वॉट एवर वी आर द बेस्ट। ठीक है, हमें दूसरों को देख के कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम में ये कमी है या हमें वैसा होना है। हमें भगवान ने जैसा बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं, बस हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, दूसरों को देख के हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, ना कि हम उनसे कंपेयर करें। गॉट इट, सो रीड दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन सो दैट ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स क्लियर फॉर यू। सो बाय स्टूडेंट्स।